मोहम्मद तकी, सबकी बात काट दो हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कुलदेवता ही होता है क्या? इस भारत में एक भी आदमी ऐसा नहीं जो ये मानने को मान ले, चाहे आप लाल किले पर खड़े होकर चिल्लाओ और चाहे कुतुब मीनार चढ़ जाओ, तब भी नहीं मानेगा कि ये आपके परिश्रम से सरकार आई थी ना। सब जानते कि जितने भी लोग, मैंने तो बताया, खुद अनुभव अपना बताया, जो सीढ़ी चढ़ गया वो तर गया। उस वक्त अन्ना पारस थे, अब नहीं है लेकिन तब थे। मैं तो इन सब लोगों, मेरे मित्र लोग हैं, गोपाल राय हो, मनीष हो, जितने भी लोग हैं, क्या स्थिति परिस्थिति थी? सबको राजा बना दिया कि नहीं बना दिया? और उन लोगों ने फिर बाद में आप लोगों को बना दिया जो कुछ बनाया। तो कम से कम उतना ख्याल तो कर लेते, कभी बुला लेते, सम्मान समारोह कुछ हो जाता, कुछ ज्ञान चर्चा हो जाती, कोई कहीं कुछ होता। अब अन्ना कह रहे कि लोकपाल जन लोकपाल की भी आपने बाट लगा दी। तकी साहब, अरे पिताजी, सबसे बड़े व्यक्ति का तो हम नाम भूल गए। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बन गए, उनके आंदोलन के बाद भ्रष्टाचार के लिए बुलाया था, उनका तो हम नाम ही भूल गए। और नहीं, नरेंद्र मोदी उनके साथ थोड़ी ना बैठे थे भैया, बैठे आप थे, अरविंद बैठे थे ना। तो भाजपा के भ्रष्टाचार के बाद बैठे तो बहुत सारे थे, अनुपम खेर भी बैठे थे, जो वहाँ पे उनकी पत्नी ने एमपी के रखे थे, वहाँ बहुत सारे लोग बीजेपी के लोग बैठे थे। ऐसी बात नहीं, बाद में लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया, किरण खेर भी बैठी थी तो बाद में बीजेपी चली गई, तो बैठे तो बहुत सारे लोग थे। लेकिन उनको भी धन्यवाद देना चाहिए ना, भारतीय जनता पार्टी को सरकार की, केंद्र सरकार आई है, प्रधानमंत्री जी वहाँ, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। और रही बात, हम सबका सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहते हैं, लाल की अडवाणी जी का सम्मान कर लिए, मुरली मनोहर जोशी का सम्मान कर लिए, चिट्ठी लिखी दादा ने, उसका जवाब नहीं दे रहे हो, बता रहे मुरली मनोहर जोशी उसका सम्मान कर लिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी लिस्ट लगी हुई है भाई मिश्रा जी। अच्छा आप भी बता दो, ये सम्मान समारोह हो रहा है, आप भी बता दो भैया मिश्रा जी, वो कह रहे अडवाणी जी का क्या है? मैं कह रहा हूँ तकी साहब, इतना तो कम से कम आप लोगों में कम से कम एक एक नीति होनी चाहिए, क्योंकि अरे कम से कम आप अन्ना हजारे जी को पकड़ सकते, अपने कुलदेवता को पकड़ सकते, एक घर कहते हैं सब कोई छोड़ करके चलता है, एक घर सबको सब कोई छोड़ करके चलता है, लेकिन आपने तो सबको समेट लिया। आपने आपसे आए थे, आपकी तकलीफ क्या थी? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सिस्टम में जाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ सिस्टम में जाएंगे, लेकिन सिस्टम में जाने के बाद हम खुद भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। ये किसी ने सोचा था क्या? भ्रष्टाचार के खिलाफ सिस्टम में जाएंगे और सिस्टम में जाने के बाद हम खुद भ्रष्टाचारी हो जाएंगे? ये दिल्ली की जनता ने कोई अपेक्षा नहीं की थी। अच्छा मान लो बड़े बूढ़ों को लड़का तरक्की कर जाए, माल टाल बढ़िया आ जाए, घर घोड़ा गाड़ी हो जाए, अर्धे पर्दे कीमती हो जाए, फर्नीचर फर्नीचर बढ़िया हो जाए, हैं, कांटा छुरी से खाने लगे, तो कभी कभी दादा को भी घूम गांव से ले आके घर दिखा दिया जाता है, कोई बुराई है? कभी जाके एक से सुन आप दिखाते तो वो खुशी होते कि भाई मेरे पास जब अरविंद आया था तो कैसा था, है, कैसे कपड़े पहनता था, क्या देह दशा थी, अब चलो कम से कम खा पी रहा है, पर्दा भी अच्छे डाले, एसी भी ठंडे लगाए हैं, और ये नहाने वाला भी बाहर बना लिया है, पूल तैरने वाला, तो अन्ना की भी आत्मा ठंडी होती नहीं? 10-5 गाड़ियों का रौला देखते तो खुश होते, उस वक्त तो वैगनार थी नीले रंग की, क्या थी ना? तो आप लोग इनको आंखों पर पट्टी क्यों बांध दिए? बोले अन्ना नॉट अलाउड, बोला इधर नहीं आना, राले गांव रहो। मोहम्मद तकी, क्यों किए ऐसा? अमिताभ जी, अन्ना हजारे जी आदरणीय है, अरे आदरणीय भैया के बाबा वहां अकेले पड़े, और आप लोग यहाँ बिल्कुल चांदनी चौक पे भगत जी की कुल्फी खा रहे हो। तेरी बात जी, मिलने भी गए उनसे, ऐसी बात नहीं, उनसे मिलने भी गए एक दो बार, तो हम लोग तो उनको, अरे मिलने नहीं यहाँ बुलाना चाहिए था। आप यहाँ ज्ञानी जी की कुल्फी चापे पड़े हो, हैं, और अन्ना से कह रहे हो वहीं रहो। ज्ञानी जी कुल्फी मिल रही है,
खुद भी अपेक्षा नहीं कर रहे थे, अन्ना हजारे जी खुद भी अपेक्षा नहीं कर रहे थे जो कि हमारी दुर्दशा इस तरह से इन लोग करेंगे, ये लोग करेंगे। और दिल्ली की जनता की तो बात ही हटाइए, जो अपने कुलदेवता का इस तरह से इन्होंने अपमान किया, किस तरह से दिल्ली की जनता को पहले ही ये लोग साइड कर चुके थे। अरे दिल्ली की जनता को कम से कम सर माथे दिखाते, अपने गॉड फादर को कम से कम सर माथे दिखाते तो मुझे समझ में नहीं आता, दिल्ली की जनता को समझ में आती। लेकिन आप लोग ऐसे भ्रष्टाचारी, जिन्होंने खाली भ्रष्टाचार केवल भ्रष्टाचार किया इन्होंने, शराब नीति बना करके, चाहे आप देखेंगे कि स्वतंत्र जन के मामले में अभी देखेंगे आप शिक्षक है, भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हो गया है। अरे कम से कम आप कम से कम कमरा बनाने के लिए मोहम्मद तकी रुको भाई, एक बात बताइए, मैं इस समस्या को बड़ा भारतीय ढंग से देखना चाहता हूं। खेत बेच के बाप ने लड़के को पढ़ाया लिखाया, लड़का मुंबई चला गया, बाप बन गया हीरो सिनेमा में, क्या उसके बाद बाप से कट ऑफ कर दिया, क्या नंबर भी ब्लॉक कर दिया, क्या तो बाप चिट्ठी तो लिखेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये नहीं लिखेगा भैया बरकत रैन? बिल्कुल अमिताभ जी, मेरा एक ये आपके प्रवक्ता से एक बहुत बड़ा सवाल है जी, पूछिए। बिल्कुल, इतनी छोटी क्यों लगा रखी है पूरे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की, तो क्या अन्ना हजारे की नहीं होनी चाहिए? आप एक आंख से देखिए, आपको हर जगह एक आंख से दूसरी देखेगी, दूसरी से बिल्कुल साइड में दूसरी लगी होगी, फिर तीसरे जहां देखिए अरविंद केजरीवाल, तो क्या ये बुनियाद तो अन्ना हजारे की थी? हम कहीं ऑटो के पीछे दो चार में ही फोटो डाल देते उनको, उनकी उनकी होल्डिंग्स क्यों नहीं लगी है? अच्छा एक और आपको एक रियल टाइम इंसिडेंट बताती हूँ। मैं गई थी अरविंद केजरीवाल को मिलने के लिए, मैंने कहा सर आप अखबारों में छाए, मीडिया में छाए हैं, आप जहाँ देखो छाए हुए हैं, इतनी फंडिंग आ रही है सर, थोड़ी फंडिंग हमें भी दे दीजिए, हमें कार्यक्रम करना है दिल्ली में और मैं ग्राउंड में कार्यक्रम करना चाहती हूँ, बड़ा कार्यक्रम करना चाहती हूँ, आपको बुलाना भी चाहती हूँ। उन्होंने एक रुपए फंडिंग नहीं दी मुझे, ये कहा मुझे कहाँ आती है फंडिंग? मैंने कहा सर ये तो पूरा देश जानता है, दिल्ली बड़ी तेजस्वी ये सामाजिक कार्यकर्ता है बरखा, इसलिए भैया इनसे थोड़ा कम उलझना सही तक ही। हाँ समस्या तो आनी ही है, ओन और डिसओन करने का तो इनके पास चारा ही नहीं, इन्होंने पहले से डिसओन करके रखा है, कौन सा ओन करके रखा है? उस बुजुर्ग को इन्होंने यूज करके फेंक दिया, कभी भी इन्होंने भविष्य में या पहले भी कभी सोचा ही नहीं कि देश की तरक्की कैसे होगी। आप अगर कोई देश की तरक्की के बारे में सोचता तो कैसे पंजाब को ड्रग्स का अड्डा बनाते, ऐसे ही दिल्ली को शराब का अड्डा बना करके दिल्ली के यूथ को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। गुजरात में लोग मर गए शराब पीने से, लोग और यूपी में लोग मर रहे शराब पीने से, हम चाहते हैं लोगों को सही शराब मिले, दिल्ली की जनता और दिल्ली से बाहर निकलकर गुजरात में आ जाइए, यूपी में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, आसाम में जाइए, वहाँ गुजरात में करोड़ रुपए की ट्रक पकड़ी गई, उसके बारे में बात करिए, हम चाहते हैं जनता को सही शराब मिले, शराब सही लोग पी रहे हैं, तो महिलाओं का गलत धारणा है,
आप दिल्ली में रहती दिल्ली में क्रांति बाहर के लिए दिल्ली में ऐसा कोई पार्टी नहीं होता। आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी सरकार कर रही है, राजनीति की कमी कर रही है, इसे संबोधन किया जाएगा, महिला का ध्यान रखा जाएगा। और जो कानून व्यवस्था की बात करें दिल्ली सरकार की, अरे भाई रुके 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 दोनों रुके रुके मित्र रुके रुके भैंस को आगे ले जा, आपस में नहीं उलझिए। ठीक 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 एक एक मुझे मासूम सवाल सैयद मोहम्मद तकी से पूछना, फिर मिश्रा जी के पास एक सवाल लेके जाऊंगा। तकी साहब ये मासूम सवाल है, इस पर उतना राजनीतिक जोर मत डालेगा। वो जो टोपी थी मैं भी अन्ना वाली, वो रखी है कि नहीं? मन में आ गया तो पूछ लिया, आप जानते हो मेरा स्वभाव है। देखिए अन्ना हजारे जी का हम बहुत सम्मान कर रहे हैं, बहुत आदरणीय, हमारे दिल में उनकी तस्वीर लगी हुई है, कई बार तस्वीर लगाने आ जा दिल में लगा ली बात बाहर हटा दी। ठीक है मैं समझ गया, जो उन्होंने हमें आदेश बताया उसी आदेश से पार्टी चल रही है, उसी में चल रही है। अच्छा आप दिल में लगा ली बाहर इसलिए हटा दी बार बार। ठीक है समझ गया मैं, समझ गया समझ गया समझ गया बाबू, अब समझ गया। बातें किए कम से आम आदमी पार्टी जनता से बातें किए थे, जो अन्ना हजारे जी ने बातें किए थे सारी बातें लेकर चल रहे हैं। अरे सीए राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगपानी, समझ गया महाराज। आपने कह दिया दिल में लगा लिया बाहर क्या रखनी तस्वीर, हटाओ सब। ठीक है आर के मिश्रा जी, गांधी जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाने वाले थे, व्यक्ति थे, लेकिन जवाहरलाल जी की सरकार के चाल चलन से गांधी जी बहुत जल्दी खिन्न हो गए। क्या मुरारजी की सरकार को वो आई थी जयप्रकाश जी के तप के कारण, मुरारजी का कोई करिश्मा नहीं था ये भी जान लीजिए। ठीक, वो जब जेपी का तप था जिसके कारण वो सरकार आई, तो सरकार ने भी जेपी किनारे कर दिया और जेपी का भी मन खिन्न हो गया, वो भी अन्ना वाली मानसिकता में चले गए बेचारे। क्या फिर वो तो जिए ही नहीं क्या? और तीसरी सरकार देश की नहीं एक राज्य की ही सही, अन्ना के तप से आई जैसे जयप्रकाश जी के तप से जनता पार्टी की सरकार आई थी, वैसे अन्ना के तप से आम आदमी पार्टी नाम की सरकार आई। हश्र अन्ना का भी वही हुआ जो गांधी का हुआ था, जयप्रकाश का हुआ था, अन्ना को हुआ था। मिश्रा जी इसका मतलब है कि सत्ता चाहने वाले लोग ऐसे लोगों के खोज में लगातार भटकते रहते हैं कि कोई अन्ना टाइप मिल जाए, हैं, उसको कुर्ता धोती पहना के बैठाल दो, हैं, और अगर उसको 40-40 दिन के लंघन कराओ, अगर जिंदा रह जाए तो ठीक है, मर जाए तो लोटे में घुमा दो, लोटे में रख के और सरकार बना लो। हाँ बिल्कुल मिश्रा जी, आपने देखा होगा जो कि समाज के ऐसे पुरोधा जो आंदोलन से आपने देखा सिस्टम परिवर्तन की कोशिश करते हैं, उनको सभी ने यूज किया है। आज जयप्रकाश नारायण जी की अगर बात करेंगे तो वो भी देखेंगे, क्योंकि आज समता पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे जनता दल हो, सब जो भी उनके प्रतिनिधित्व करने वाले अभी उस पार्टी के हैं सब उसी आंदोलन से निकले हुए हैं। तो आज अगर अन्ना हजारे जी को यूज करके प्रयोग करके आज केजरीवाल जी सत्ता पाकर आ गए हैं यहाँ पर, तो इससे ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे सुन लीजिए आप, आज अगर अन्ना हजारे और एक निश्चित तौर पर सामाजिक सुरक्षा के रूप जो अपने आप को उनको प्रयोग ये उदाहरण हम देखते आए हैं कि हमें पास आज 75 साल हो गए हमारे स्वतंत्रता दिवस, हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए और हमने 75 साल हो गए, किसी तरह की जो परंपरा है जो परंपरागत प्रक्रिया है उसी तरह से राजनीतिक पार्टियां आती है और उनको प्रयोग करके टाइप कर देती है। तो आज अगर अरविंद केजरीवाल जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है। ठीक 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 भैया मिश्रा जी।